top 10 private bee schools in India. Our focus is on cutting edge domain knowledge and benchmarking with world-class businesses. Big Tech, excellence with values. विश्व के प्रसिद्ध शिल्पकार पद्म विभूषण आपको पुरस्कार भी मिला गया है और इस आज आपके बारे में हम ये जानना चाहेंगे जीवन की सबसे बड़ी उपलब्धि क्या रही आपके जीवन में। उपलब्धि क्या मतलब हमारे जीवन में सबसे बड़े बड़े स्टैचू बनाने की कल्पना थी, वो कल्पना पूरी हो रही है इसलिए बहुत अच्छा लग रहा है। सर बात करते हैं चुनौतियों की, तो काम करने कार्य करने में प्रतिमा बनाने में क्या क्या कितनी कितनी बड़ी बड़ी चुनौतियों का आपने सामना करना पड़ा? सामना क्या, वैसे शुरू से तो मिट्टी का बहुत मिट्टी से बनाती है, ऐसे मिट्टी फिर प्लास्टर इस तरह से ये मटेरियल रहा और जैसे जैसा टाइम मिला जैसे जैसे मतलब लोगों की डिमांड रही उस तरह से मूर्ति बनाते गए, छोटी मूर्ति बनाई उसके बाद फिर बड़ी बड़े इस तरह से करते करते आज काफी बड़े बड़े स्टेडियम बनाने का मौका आया। सर कौन सी किताबों का आपके जीवन के ऊपर ज्यादा प्रभाव पड़ा? किताबों का जी अलग अलग किताबों का तो नहीं एक, मगर एक आपके जीवन में किन किन किताबों का प्रभाव पड़ा? खैर किताबों नहीं, एक बात याद करने जैसे है कि जब ब्रिटिश लोगों में कुछ वार हो रहा था तो उस टाइम अपने लोग भी उनके साथ मदद करने के लिए मतलब वार में गए और जब वो आते थे इटालियन वगैरह इस तरह से वहां से छोटी छोटी किताबें लाते थे वो और फिर क्या कहते थे तो उसमें मूर्तियां मतलब मूर्तियों की फोटो थी वो देखे मैं बड़ा मतलब अच्छा लगता था, उसी तरह से मूर्ति बनाने का शौक वहां से शुरू हुआ। सर बात करते हैं कि एक आपके जीवन में सबसे बड़ी सक्सेस मंत्र क्या है? सक्सेस मंत्र, सफल मंत्र, सफल मंत्र आपके जीवन में क्या है? तो अपने को जो आता है वो बाहर लोगों को बताओ, समझो एक फूल है वो विकसित होता है उमलता है विकसित होता है तंत्र ये रंग रूप आता है फिर खुशबू आती है तो फिर मक्खी आने में कोई देर नहीं लगती। इसी तरह से हर एक आदमी ने अपने के अंदर जो गुण है वो तुम विकसित करो लोगों को दुनिया में बताओ तो इसी तरह से आपका गुण का फायदा लोग उठाएंगे और प्रोत्साहित भी करेंगे। आने वाले जो शिल्पकार है जो युवा शिल्पकार है उनके लिए आपका क्या संदेश है? बस यही कि अपने के अंदर जो गुण है बाहर निकालो और लोगों को कल्याणकारी जो चीजें आप करो और क्या। कौन सी फिल्मों का कोई भी आर्ट है कोई भी कवि है ये है तो ये बनाने का मतलब ये है कि ये बनाने के इसके थ्रू एक उपदेश है, हम स्कल्पचर बनाते हैं उसके थ्रू दुनिया को उपदेश देना चाहते हैं। कोई कवि है ऐसी कविता करेंगे दुनिया को उपदेश देते अच्छे क्या चीजें होगा, इस तरह से ग्रंथ होते हैं तो इस तरह से है कि अपने को जो आता है वो आप दुनिया को दे, ये सबसे मतलब अब जीवन का यही मतलब है। आपका जीवन का आने का मकसद ये है कि आपको सक्सेसफुल होना चाहिए, दुनिया को मदद होनी चाहिए। सर बात ये स्कूल जीवन सर बात करते हैं कि आपके बचपन की बात की करते हैं तो किन किन फिल्मों में और खेलों में आपकी रुचि है? नहीं फिल्मों क्या, मैंने बचपन में तुकाराम की फिल्म देखी और भी इस तरह की देखी हिंदी जो तो राज कपूर है या सुनील दत्त जी है इसकी कहीं आप कई फिल्मों का कुछ वो आपने नहीं, नहीं, कोई नहीं है। खेलों में कोई रुचि है आपकी? ना बिल्कुल बिल्कुल खेलों में नहीं है। अच्छा हम बहुत फिल्म कम भी देखते हैं। जी 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 सर संगीत की बात करते हैं तो किसके गाने आपको काफी? संगीत क्या ये क्लासिकल संगीत मुझे अच्छा लगता है, सब अच्छा है। भीमसेन जोशी वगैरह मराठी अभंग वगैरह क्योंकि आप महाराष्ट्र रहे तो मराठी अभंग वगैरह या लता मंगेशकर की भावगीत वगैरह नहीं रखते ऐसा नहीं। सर एक बात करते हैं आप बहुत बड़ी एक बात की महत्व बात है कि आपके जीवन में रोल मॉडल कौन है? रोल मॉडल कौन रहा आपके जीवन में? क्या रोल मॉडल यानी कि जो आदर्श पुरुष जिनसे आपने प्रेरणा मिली आपको? एक तो महात्मा गांधी जी तो है ही है। महात्मा गांधी है। अच्छा और कोई इसके अलावा? बस फिर जो दुनिया अपने महाराष्ट्र में या जैसे तुकाराम है जी जी रामदास स्वामी है जी जी और विनोबा भावे है जी 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 तो उनकी गीताई पढ़ के मुझे बहुत खुशी होती है जी जी अच्छा उपदेश है जी जी तो इस तरह से मतलब उनका चरित्र उनका सहवास बहुत अच्छा लगता है जी जी। विनोबा भावे का तो हमने स्केचेस भी किए जी 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 बहुत अच्छी बात है।
तो महाराज आप अपने विश्व में कौन से कंट्री में ज्यादा घूमे हैं, ज्यादा आपको कौन सा अच्छा लगता है? कोई ज्यादा जाने का सवाल नहीं था जी, मगर हम ये ऑल इंडिया फाइन आर्ट्स एंड क्राफ्ट सोसाइटी है जी जी, तो हर एक साल या एक दो साल के बाद ये हमें ट्रिप जाती है जी जी, कभी ये इटालिया इटली वगैरह चाइना भी गए हैं, तो इस तरह से दो तीन कंट्री घूम के आए हैं। अभी जो सरदार पटेल जी का जो स्टैच्यू है उसके बाद आपका क्या विजन है और नेक्स्ट विजन? ये अभी क्या बताए वो बोलना ठीक नहीं, मगर वो पूरी हो जाएगी जी।